गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेकंड क्लास ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फर्स्ट क्लास में आपने जान ही लिया है कि पावर पॉइंट को ऑन करने के लिए रन कमांड क्या यूज़ करते हैं। पावर PNT क्या यूज़ करते हैं, पावर PNT। जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली क्या ओपन हो जाएगा आपका, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट में एक्चुअली हम लोग काम किस पे करते हैं, स्लाइड्स पर। किस पे काम करते हैं, स्लाइड्स पर। ये स्लाइड है आपकी और स्लाइड पर आप काम करते हैं। ठीक है, तो स्लाइड आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं, बहुत सारे वो हम लोग करेंगे अभी। एक इम्पॉर्टेंट बात, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है पता है क्या आपको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आपने काम किया था तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल का एक्सटेंशन था वो क्या था? वो था डॉक एक्स। वो क्या था? डॉक एक्स। एक्सेल की फाइल्स का था XLSX। तो ऐसे जो आपका पावर पॉइंट की फाइल होती है, पावर पॉइंट की फाइल का भी होता है एक एक्सटेंशन जिससे आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, मतलब रियल में ही होता है। वो होता है .PPTX। क्या होता है? .PPTX। तो ये नोट कर सकते हैं .PPTX। ठीक है, तो बट फिलहाल अभी जैसे अभी मैं पावर पॉइंट पर काम कर रहा हूँ तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम अभी फ़िलहाल ये इसमें स्लाइड इंसर्ट करें जो भी है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड पिक्चर एल्बम। एनिमेटेड पिक्चर एल्बम आप कैसे क्रिएट करें ये जानना है आपको। ठीक है, तो एनिमेटेड पिक्चर एल्बम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, ज़रूरत नहीं स्लाइड की, किसी भी स्लाइड की आपको। अच्छा, आपको एक क्लोज का ऑप्शन याद है, Ctrl W शॉर्टकट की क्लोज के लिए। तो कोई भी टॉपिक, चाहे आपका वर्ड हो या एक्सेल हो, जो भी हो, वहाँ पर अगर आपको फाइल क्लोज करनी है तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। और शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl W। डोंट भी, आपने कुछ काम किया हुआ है इसके अंदर तो इसलिए पूछ रहा है सेव करना ही नहीं करना है, तो आप इसको डोंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें कोई फाइल नहीं चाहिए, पावर पॉइंट ओपन हो गया हमारा। हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? आप इंसर्ट में कहाँ जाएंगे? हमारा मेन टॉपिक क्या है? फोटो एल्बम, ये टॉपिक है आज हमारा कि हम पिक्चर एल्बम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ करो तुम्हारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी फ़ोटो वगैरह, तुम चाहते हो उन फ़ोटोज़ को, मतलब एक एल्बम बन जाए एनिमेटेड, बैकग्राउंड में साउंड भी हो, एनिमेटेड वे में भी आए पूरा का पूरा, तो उसे कैसे करोगे? कभी भी अगर आपको फ़ोटो एल्बम यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोई स्लाइड पहले से हो, स्लाइड बंद भी हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ क्लिक करना है? फ़ोटो एल्बम, पहले इंसर्ट फ़ोटो एल्बम, फिर कहाँ क्लिक करोगे? न्यू फ़ोटो एल्बम। न्यू फ़ोटो एल्बम क्लिक करते ही ये है आपका फाइल डिस्क। तो फाइल डिस्क में आप फ़ोटो फाइंड आउट करोगे यहाँ पर कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं। तो आमतौर पर फ़ोटो का फोटोग्राफ होता है हमारे पास, बट अगर आपके पास फ़ोटोज़ नहीं पता आपको कहाँ पर हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको फ़ोटोज़ सर्च करनी होगी बाय एक्सटेंशन। याद है आपको क्या होता है फ़ोटो का एक्सटेंशन? सी ड्राइव में जाइए और टाइप करिए यहाँ पर .jpg। जितनी भी फ़ोटो, सारी फ़ोटो आ जाएंगी इससे .jpg। ठीक है, तो ये सारी फ़ोटोज़ आ गई, जितनी भी फ़ोटोज़ हैं आपके पास। अब जो जो फ़ोटो आपको अपना इसमें ऐड करना है उन सारी फ़ोटोज़ को आप ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, और ठीक है, आपको करना क्या है, देखो ये फ़ोटो ली मैंने यहाँ पर एक। अब इस फ़ोटो के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सेकेंड फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। तो मल्टीपल फ़ोटो कैसे सेलेक्ट करते हैं आप? कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, ये ठीक है। तो ये सारी फ़ोटोज़ हम ले लें यहाँ पर, तो कितनी फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। ठीक है, इंसर्ट कर दो, जैसे ही आपने इंसर्ट कर दी सारी फ़ोटो यहाँ पर आ गई। सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर आने के बाद आप कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट पर। तो ये बन गई आपकी एल्बम, सिंपल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज ना अपने आप बाय डिफॉल्ट ऐड होता है, फोटो एल्बम बाय एपटेक। एपटेक ये यूज़र नेम है, आपको पता होना चाहिए यूज़र नेम कहाँ होता है। फाइल पर क्लिक करो, फिर कहाँ क्लिक करोगे? ऑप्शंस। तो यूज़र नेम आपका कहाँ पर होता है? यूज़र नेम आपका कहाँ, ये लिखा होता है एपटेक। तो जो भी लिखा होगा वो आपका यहाँ पर एल्बम में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यूज़र नेम। तो अभी अगर आपको यूज़र नेम एडिट करना है, कुछ और लिखना है आपको, तो आप कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने इसे कट किया, मैं लिखा यहाँ पर, ठीक है, शाहिद बाय शाहिद, एंड जो फ़ोटोज़ पूरी हैं वो पूरी पूरी आ रही हैं, और कुछ फ़ोटोज़ का साइज़ थोड़ा कम है, तो उसके पीछे आपका वाइट कलर जो बैकग्राउंड है आपका वो शो हो रहा है। तो आप एक काम करिए, मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था फर्स्ट क्लास में, डिज़ाइन पे क्लिक करिए और यहाँ पर ना बैकग्राउंड कलर होता है एक, वो डाल दीजिए इस तरह से सभी का। तो देखो सभी के जो ब्लैंक एरियाज़ हैं वो फिल, मतलब जैसे लास्ट वाला था ना, जो शायद इसके एरियाज हो जाएंगे अपने आप फिल ब्लैक कलर से, हो गए। अब आप एक बार ज़रा स्लाइड शो देखिए, तो स्लाइड शो कैसे देखेंगे आप, F5 करके, F5 शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो देने के लिए, ठीक है। तो आपको स्लाइड शो करना है अगर, तो प्रेस F5, ये आ गया आपका, ठीक है। इसके आने के बाद एंटर की प्रेस करिए नेक्स्ट स्लाइड के लिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, याद रखें अपने आप नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप यहाँ पर, हाँ तब तक कि आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते, ठीक है। तब को क्लिक करना होगा, आप चाहते हैं कि नहीं ये ऑटोमेटिक आए, टाइमिंग जो है वो ऑटोमेटिक डाल दें, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा ट्रांजिशंस में, जाना होगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रांजिशंस में क्या लिखा हुआ है, ऑन माउस क्लिक, ठीक है। तो इसे अनचेक कर दो, यहाँ पर टाइमिंग डाल दो, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 2 सेकंड। अब कहाँ क्लिक करना होगा, अप्लाई टू ऑल, तो अब हर 2 सेकंड में F5 करो, हर 2 सेकंड में ऑटोमेटिकली अब स्लाइड चेंज होगी, ये देखो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। बट ये काफ़ी डल टाइप में नहीं आ रही, देखो मतलब बिना किसी एनिमेशन के, बिना किसी चीज़ के आ रही है इस तरह से। तो अब आप टाइम डाल दिया आपने यहाँ पर, अब आप चाहते हैं इसमें एनिमेशन भी डालना, तो एनिमेशन कैसे डालेंगे आप, इसके लिए भी आपको कहाँ आना होगा, ट्रांजिशंस में, कहाँ आना होगा आपको, ट्रांजिशंस में। जैसे आप ट्रांजिशंस में यहाँ पर आएंगे, तो ट्रांजिशंस में आपको पहले ये मेन्यूज़ मिलेंगे आपको इस तरह से। तो अभी क्या है, नन, ट्रांजिशन का पहला ऑप्शन क्या है, प्रीव्यू, प्रीव्यू एक्टिवेटेड, एक्टिवेट क्यों नहीं है, प्रीव्यू, प्रीव्यू तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आप कोई एनिमेशन नहीं डालते। फटाफट आइए फर्स्ट स्लाइड पर, क्लिक करिए यहाँ पर, ये मैंने एनिमेशन डाल दिया यहाँ पर स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे मैंने एनिमेशन डाल दिया यहाँ पर, इफेक्ट डाल दिया, ऑटोमेटिक प्रीव्यू का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, प्रीव्यू पे क्लिक करो तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आपको लगेगा कि काफ़ी फास्ट आ रहा है, तो कोई नहीं, ड्यूरेशंस होता है यहाँ पर, क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है, देखो इसे बढ़ा लो, तो ड्यूरेशन देखो, अब देखो थोड़ा स्लो आएगा इस तरह से, ठीक है, और बढ़ा लो यहाँ पर देखो, अब थोड़ा और स्लो आएगा। ड्यूरेशंस के ऊपर ही होता है साउंड का इफेक्ट, तो साउंड का ऑप्शन यहाँ पर, एक्चुअली साउंड का ऑप्शन यहाँ पर तभी आएगा जब आप ईयरफोन लगाओगे, बाकी आप साउंड यहाँ से चूज़ कर सकते हो। हमारे कई सिस्टम में इनबिल्ट स्पीकर्स हैं, तो वहाँ पर चेक कर लेना, ये सभी साउंड हैं, बॉम एरो, ये इनबिल्ट साउंड है, तो ये प्ले भी होते हैं अगर आपके पास स्पीकर है या इनबिल्ट स्पीकर है, तो साउंड का ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी जो आपका एनिमेशन ऐड हुआ है ना, वो एनिमेशन सिर्फ ऐड हुआ है फर्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, किस पे ऐड हुआ है, फर्स्ट पर। तो आप यहाँ गलती से भी अप्लाई टू ऑल मत करना, क्योंकि अगर आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो यही सेम एनिमेशन सब में आ जाएगा, जबकि हमें सेम एनिमेशन नहीं डालना, हमें डालना है अलग एनिमेशन। तो हम लोग डालते हैं अलग एनिमेशन, देखो सेकेंड पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो सेकेंड पर देखो ऐसे कर दिया, थर्ड पर क्लिक किया, तो एक साथ मल्टीपल भी देखो सेलेक्ट करता, तो ऐसे कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर क्लिक किया, तो हर एक को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके आप उसमें एक एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें, आप देखो एक सिंबल आ रहा है ना इस तरह से, स्टार सिंबल, तो स्टार सिंबल शो करता है आपका कि इस स्लाइड में एनिमेशन डल चुका है। तो देखो नीचे आओ, तो अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए फिफ्थ स्लाइड तक आपका ये स्टार स्टार साइन है, बाकियों में नहीं है, तो बाकियों में भी डाल दीजिए आप इस तरह से, फिर नेक्स्ट। तो ऐसे वन बाय वन आप इसमें एनिमेशंस डाल सकते हैं, हर एक में डिफरेंट डाल सकते हैं, या फिर मल्टीपल स्लाइड हुए, जैसे 3 स्लाइड्स में एक साथ डाल दिया आपने स्टार्टिंग में, फिर बाद में अलग डाला आपने, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये नंबर 10, ठीक है, और नंबर 10 के बाद, नंबर 10 में भी मैं डाल दिया इस तरह से कुछ, ऐसे क्यूब, तो ये देखिए आप नंबर 10 लास्ट है। अब आप करिए F5, तो आप देखेंगे विद एनिमेशन, साउंड तो एक्चुअली प्ले नहीं हो पाएगा, बट
स्लाइड विद एनिमेशन, हर 2 सेकंड के गैप में एनिमेशन, एनिमेटेड टाइप, ठीक है। अच्छा, जो आप पावर पॉइंट कर रहे हैं अभी, ये 2010 वर्जन है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है कि जो भी आपने बनाया है ना फोटो एल्बम जो भी है, उसे आप वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखो ये नया ऑप्शन है नए वर्जन में, पहले ऐसा नहीं था। मैंने भी एक बार जब फोटो एल्बम बनाई थी तो मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था पावर पॉइंट से वीडियो में कन्वर्ट करने का, बट अब ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपके पास इनबिल्ट होता है पहले से कि आप वीडियो में कन्वर्ट कर लो। तो आपके पास जितनी भी मतलब फंक्शंस की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, शादी पिकनिक की फ़ोटोज़ वगैरह जितनी भी हैं, उनका आप एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसे आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं साउंड के साथ में, इसमें सॉन्ग भी डाल सकते हो, और फिर से कहीं भी प्ले करो, टेलीविज़न पर, ठीक है ना, टीवी पर, एंड्रॉयड फ़ोन में, कहीं पर भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन था। इंसर्ट में हमने क्या किया अभी, फ़ोटो एल्बम, साथ ही साथ मैं आपको करा रहा हूँ डिज़ाइन, मैंने आपको करवा दिया था फर्स्ट क्लास में, ये वीडियो वॉच कर लेना, साथ ही साथ मैं आपको करवा रहा हूँ आज ट्रांजिशंस भी। ट्रांजिशन में सारे ऑप्शन एनिमेशन के कर लोगे, प्रीव्यू का ऑप्शन समझ में आ गया आपको पहले से, और इफेक्ट ऑप्शन आपने अभी देखा नहीं फिलहाल। इफेक्ट ऑप्शन देखो, इससे क्या होता है, मान लो ये आपका फर्स्ट है, ये आपकी क्या है फर्स्ट लाइट, तो फर्स्ट में ये एनिमेशन है। प्रीव्यू देखो जरा एक बार इसका, इस तरह से आ रही है। तो इफेक्ट ऑप्शन ना हर एनिमेशन के अकॉर्डिंग अलग आता है, तो आपका ये जो एनिमेशन है ना, इसमें दो ही इफेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो वर्टिकल और एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल देखो आपका ऐसे, और वर्टिकल आपका ऐसे। तो कोई और एनिमेशन अगर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग आएगा इस तरह से, ठीक है। ये साउंड ऐड करने के लिए होता है आपका, और ये आपका ड्यूरेशन एनिमेशन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। अप्लाई टू ऑल, कोई भी एनिमेशन या कोई भी टाइमिंग वाला जो है, कोई भी इफेक्ट सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये आपका एडवांस लाइट, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप ना आए तो आप ऑन माउस पर क्लिक कर दें, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली स्लाइड आए वन बाय वन, तो आप टाइमर सेट कर दीजिए। तो एक तरह से आपका आज ट्रांजिशन भी पूरा हो गया, ठीक है। तो ट्रांजिशन के बाद जो बचेंगे इससे एनिमेशंस वगैरह और स्लाइड शो, एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो मैं 2 क्लासेस और होंगे इसकी, इसमें ही पूरा हो जाएगा। बचे जो ऑप्शन भी, जो कुछ कुछ ऑप्शन हैं जो इंसर्ट में एक्स्ट्रा हैं या इसमें अलग हैं, तो आने वाली 2 क्लास में ऑलमोस्ट हो जाएगा ये पावर पॉइंट, थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको पता नहीं लग पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।